वक्त की बड़ी खबर का। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि बड़ी आतंकी साजिश नाकाम रही है। स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आईईडी भी बरामद हुए हैं। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने यह जानकारी दी है। स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे ये 3 संदिग्ध। दिल्ली से बड़ी जानकारी, स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने यह जानकारी दी। दिल्ली से बड़ी खबर, स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है जो किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आतंकी हमले की साजिश नाकाम, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने जानकारी दी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार ये 3 आतंकी कहां से आए हैं और किस तरह का हमला ये करना चाहते थे, दिल्ली में किस तरह की वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। तमाम पहलुओं को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने जानकारी दी है। स्पेशल सेल ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम रही है। स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने जानकारी दी है। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, बड़ी खबर, स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने यह जानकारी दी है। फिलहाल 3 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने जानकारी दी है कि 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है जो दिल्ली में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। स्पेशल सेल ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। ये पता था कि कोई एक ऐसी रेडिकलाइज लड़कों की टीम है जो कोई टेरर एक्टिविटी का प्लान बना रही है। इसके बेसिस पे काम करते हुए जब इसमें इंटेलिजेंस फर्दर डेवलप की गई तो पता चला कि ये असम गोलपाड़ा के लड़के हैं और ये पहला टेरर स्ट्राइक वहाँ करने वाले हैं। सब्सिक्वेंटली दिल्ली में इन्होंने कुछ लड़कों को रेडिकलाइज किया हुआ है, वहाँ पर ये फर्दर कार्रवाई करेंगे। इनके पास से एक कंप्लीट आईडी जो कि बिल्कुल रेडी स्टेट में थी विद टाइमर एंड एवरीथिंग वो मिली है। एक लोन वुल्फ के अटैक के तौर पे जैसे कि सोड और चाकू के अटैक करते हैं उस तरह के 2 बैटन शॉट्स मिले इनके पास में। 1 kg एक्सप्लोसिव पाउडर मिला है प्लस आईडी के कंपोनेंट्स मिले हैं। पकड़े गए लड़कों के नाम हैं जमील, मुकद्दर इस्लाम और रंजीत अली। ये सारे के सारे अंडर 25 हैं, 25 साल से कम उम्र के लड़के हैं। जमील जो है 12th पास है और एक आधार एनरोलमेंट सेंटर है उसमें काम करता है। मुकद्दर इस्लाम जो है ये ड्राइवर का काम करता था और साथ में फिश फार्मिंग वगैरह का भी इसका काम है। रंजीत अली एक फिश ट्रेडिंग सेंटर है उसमें मैनेजरल कैपेसिटी में काम करता था। लड़के हाईडी रेडिकलाइज थे और इनको जब हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने असम की पुलिस के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। हमारी टीम असम में गई और असम की जो लोकल पुलिस है गोलपाड़ा जिले की, उस लोकल पुलिस के कोऑपरेशन से इस मॉड्यूल के लड़के पकड़े गए और एक टेरर स्ट्राइक जो कि असम में होने वाली थी वो अवॉइड की गई और जो फ्यूचर में सक्सेसिव स्ट्राइक्स का इनका प्लान था दिल्ली का वो अवॉइड किया गया। दिल्ली में कहां
देखिए देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि असम में इन्होंने एक रास मेला करके एक लोकल फेयर होता है जिसमें हैवी फुटफॉल होता है, जहां कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है और काफ़ी लोकल मेला लगता है जिसमें काफ़ी हैवी फुटफॉल होता है, वहां पर ये ब्लास्ट करने वाले थे। तो जाहिर सी बात है कि इनके दिल्ली में भी ऐसे ही टारगेट्स थे जो कि हैवी फुटफॉल एरिया के हों। अब वो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी ये स्टेज नहीं है आपके साथ शेयर करने की, जो अप्रोप्रिएट स्टेज होगी उसमें आपके साथ शेयर किया जाएगा। बेगवाड़ वो नहीं, दिल्ली का मैंने कहा कि हैवी फुटबॉल एरियाज थे जो इन्होंने असम में इन्होंने टेस्ट रन करना था। अभी इस मॉड्यूल को बस किया गया है इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस और प्लस इनका पास्ट रिकॉर्ड हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि ये रात में पकड़े गए हैं, आईएसआईएस से इंस्पायर्ड इस सेंस में थे कि इनकी जो बातचीत थी वो उससे ये अपने आप को क्लेम करते थे कि ये आईएसआईएस से इंस्पायर्ड है। कुछ इनके साथी थे, उनसे बातचीत थी जो हमारे पास में हमारे जो एसेट्स हैं सोर्स हैं उनके थ्रू हमें जो इनके बारे में पता चला है, और इनकी जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला है उससे पता चला है कि आईएसआईएस इंस्पायर्ड थी। प्लस जो आईडी इन्होंने बनाई है वो भी जो आईएसआईएस के वीडियोस होते हैं और डू इट योरसेल्फ वीडियोस होते हैं उसमें जिस तरह की आईडी बनाई जाती है उस तरह की आईडी बनाई है। इनफैक्ट इनकी आईडी काफी कुछ उस टाइप की है जैसा भोपाल ब्लास्ट में ट्रेन ब्लास्ट में आईडी बनाई गई थी, उस टाइप की इनकी आईडी है। दोस्त हैं कुछ लोग हैं जो वो दिल्ली में भी थे, तो क्या सर उनको स्लीपर सेल बोला जाएगा, इनके साथ रेडिकलाइज है वो भी लड़के? देखिए देखिए, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि इनके बाकी लिंकेजेस के बारे में अभी हम इस स्टेज पे आपसे शेयर नहीं कर सकते, जो अप्रोप्रिएट स्टेज होगी वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इनके पास से एक केजी एक्सप्लोजर पाउडर जो बरामद हुए कहाँ से लाए थे, कैसे? देखिए ये सारी चीजें कि इस पाउडर का सोर्स क्या था, ये सारी चीजें अभी अनुसंधान का विषय है, विवेचना का विषय है, जो उसी स्टेज पे आपसे शेयर किया जाएगा। अभी फिलहाल की बातचीत तो डीसीपी प्रमोद कुशवाहा को आप सुन रहे थे। तीनों संदिग्ध आतंकियों के बारे में जानकारी दे रहे थे, असम के रहने वाले हैं और तीनों ही 25 साल से कम उम्र के हैं। दिल्ली को दहलाने की कोशिश एक बार फिर से नाकाम रही है। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हाजिर है।